आज हम अध्ययन करेंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में। तो जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो जनसंख्या घनत्व की परिभाषा होती है प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाली कुल व्यक्तियों की जो संख्या होती है उसको जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व करने ज्ञात करने के अनेक प्रकार है, जैसे गणितीय प्रकार, आर्थिक प्रकार, कायिक प्रकार, कृषि प्रकार, पोषण घनत्व। ये जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने के प्रकार है। जनसंख्या घनत्व का वितरण देखें हम, विश्व के अंदर जनसंख्या जो घनत्व है इसका वितरण असमान पाया जाता है। कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं मध्यम है, कहीं बहुत ही कम है, कहीं अति न्यून है, अलग अलग प्रकार से पाया जाता है, असमान वितरण पाया जाता है। विश्व का औसत घनत्व हम देखें 47 व्यक्ति प्रति वर्ग 47 व्यक्ति 2015 के अनुसार। एशिया के अंदर देखें हम जो जनसंख्या घनत्व जो पाया जाता है 116 व्यक्ति, यूरोप के अंदर 32 व्यक्ति और अफ्रीका जो महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर देखें 27 व्यक्ति, उत्तरी अमेरिका के अंदर 16 व्यक्ति और दक्षिण अमेरिका में देखें 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। अब इसको प्रभावित करने वाले कई कारक होते हैं, जैसे मोटे तौर के ऊपर हम देखें इसके दो भाग बताए, भौतिक कारक है, कुछ आर्थिक कारक। अब भौतिक कारक के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, कारक आते हैं, जैसे वहां की स्थिति क्या है, वहां की लोकेशन कैसी है, वहां जल की उपलब्धता है या नहीं, इसके ऊपर जनसंख्या घनत्व निर्भर करता है। वहां की जलवायु की दशाएं कैसी है, ठंडी है या गर्म है या बहुत ज्यादा उष्ण है, तो जलवायु के ऊपर जनसंख्या घनत्व निर्भर करता है। वहां की मृदाएं कैसी है, वहां की मिट्टी जो उपजाऊ है या अनुपजाऊ है या बंजर है ना, कैसी मिट्टी है उसके ऊपर जनसंख्या घनत्व निर्भर करता है। खनिज आर्थिक कारक के अंदर हम देखिए खनिज, वहां पर खनिज पाए जाते हैं या नहीं, खनिजों में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, वहां की नगरीकरण स्थिति क्या है, वहां औद्योगिकरण की स्थिति क्या है, कुछ सामाजिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ सांस्कृतिक फैक्टर्स होते हैं, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जनसंख्या घनत्व को